दोस्त लोग, आप सब बहुत लंबे टाइम के बाद स्नैक्स ऑन के चैनल पे व्लॉग आएगा या कुछ भी आएगा। तो मैं बहुत बिजी हो गया था मेरी स्टडीज़ को लेके और बाकी सब, बट अब मेरे पास टाइम है तो मैं आप लोगों के लिए ढेर सारे व्लॉग, टेक्निकल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। और अपनी नेक्स्ट वन को भी हो गए 6 साल, तो अच्छा सफ़र रहा इसके साथ, काफ़ी मज़ा भी आया और देख के लग नहीं सकता इस गाड़ी को 6 साल हुए हैं तो। और मैंने ज़्यादा चलाई भी नहीं है, सिर्फ 40,000 किलोमीटर इसको मैंने चलाया है, बट टेक्नोलॉजी से भरमार है, मतलब क्या बताऊँ। और इस गाड़ी ने कभी भी है ना अपने को धोखा नहीं दिया, बहुत प्यारी गाड़ी है। टाटा का मैं फ़ैन हो गया उस गाड़ी को लेने के बाद से और जस्ट लव इट। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है। तो भी धीरे धीरे करके मैं इसकी सारी जो भी मैंने इसमें कांड किए हैं, कांड मतलब मॉडिफिकेशन, जो भी मैंने अपनी टैग दिमाग लगा के, मैंने इवन खुद से बना के इसके अंदर लगाई हुई है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसकी लाइटिंग का सेटअप दिखाने वाला हूँ कि मैंने इसमें कैसे, मतलब जैसे अपने मर्सिडीज़, ऑडीज़ या जो भी लग्जरी एंड कार्स होती है, या अभी जैसे किया सेल्टॉस और सब होती हैं, या और भी हुंडई की या जो भी गाड़ियाँ हो गई, कि जैसे अपन लॉक करते हैं, लॉक करने के थोड़ी देर बाद गाड़ी की लाइटें बंद होती है, तो मैंने भी इसमें बहुत सेटअप किया। उसके लिए मैंने खुद चिप बनाई है, वो चिप मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए भी लाऊंगा और उसकी बहुत मिनिमल कॉस्ट रखूंगा। बट रिमेंबर, वो मेरी खुद की बनाई हुई चिप है, मैंने घर बैठ के आप सबके लिए उसको खुद अपने हाथों से बनाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए अभी गाड़ी में कोई भी, मतलब देख सकते हैं कोई लाइट ऑन नहीं है, बट जैसे ही मैं इसको अभी देखिएगा, जैसे ही मैं इसको अनलॉक करूँगा, आप देख सकते हैं उधर लाइटें ऑन हो गई है, नीचे लाइटें ऑन हो गई है सारी। तो थोड़ी सी मेरी गाड़ी अभी गंदी है क्योंकि सडन प्लान बनाने का वीडियो, बट आप देखिए कैसे सारी लाइटें ऑन है, यहाँ लाइटें ये वो। अच्छा, अगर किसी को कोई डाउट है कि ये लाइटें बाहर से लगाई है या क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी खुद की लाइटें हैं, मतलब ये इतने इतने से बल्ब आते हैं, उनको मैंने खुद इसके अंदर ड्रिल करके अच्छे से फिटिंग करी है। ये वाली लाइटें मैं यहाँ से ख़रीदा हूँ लोकल मार्केट से, यहाँ मैंने खुद बल्ब लगाए हैं, आप देख सकते हैं। और ये मल्टी कलर नहीं है, मल्टी कलर का मेरे को इतना कोई शौक नहीं, मुझे एक ही कलर रखना पसंद है, तो ये वो है। अब मोस्टली क्या होता है कि लोग है ना, या तो होता है कि है ना अपने एक ही उस पर लगाते हैं, जैसे कि या तो गाड़ी है ना लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे तब लाइट ऑन होगी, उसके बाद लाइट ऑन नहीं होगी, मतलब डबल कनेक्शन नहीं दे सकते। बट आप इधर देखिए, अच्छा आप लोग को डाउट रहे कि भैया ये तो हो सकता है ऐसा कर रखा है वैसा कर रखा हो, देखो अभी मैं डोर खोलूँगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, अब देखना ये लाइट बंद हो जाएगी जैसे ही मैं इग्निशन पे इस गाड़ी को लाऊंगा। ये गाड़ी इग्निशन पे आ गई, अब देखिए ये वाली लाइट बंद हो गई, बट ये वाली अभी भी चालू है और ये जब तक चालू रहेगी, जब तक गाड़ी का जो मैंने चिप बनाया है, जब तक ये गाड़ी वापस से बंद नहीं हो जाती तब तक ये लाइटें चालू रहेगी। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वो दे रखा है, जैसे ही मैं इसको, शायद ये बटन है तो मेगा फोकस कर देता हूँ, जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊंगा, सॉरी यही था कहता ही, जैसे ही मैंने दबाया सारा सिस्टम बंद हो गया, कंप्यूटर ने देख लिया, मतलब जो चिप मैंने बनाई है उसने नोट कर लिया कि भैया लाइटों को बंद कर देना है, एक भी लाइट चालू नहीं रहेगी, चाहे गाड़ी बंद हो चाहे खुली हो चाहे कुछ भी हो, मेन कनेक्शन ही बैटरी से कट हो गया इन लाइटों का। अब जैसे ही मैं ऑन करूँगा ये सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी, क्योंकि इन लाइटों को कंट्रोल करने के लिए 2 चिप हैं, एक चिप मैंने यहाँ लगा रखी, एक चिप मैंने यहाँ अंदर लगा रखी है। बहुत जल्दी मैं वो चिप आप लोग के सामने प्रेजेंट करूँगा, अभी अगर आप लोग को फिज़िकल देखनी है वो चिप तो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ। जैसे इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं गेट खोल लेता हूँ, जैसे ही मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैं इसको यहाँ से निकालता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये चिप मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से। इसकी फिनिशिंग देखिए, तो ऐसी चिप मार्केट में कोई भी ला के नहीं देगा आपको, तो ये जो चिप है ये प्रॉपर हर चीज़ का काम करती है। तो मैं आप लोग के लिए बहुत जल्दी ये चिप बना रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगता है, कम से कम 2 चिप बनती है एक दिन में, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है। ये अपनी पैक हो गई, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो ये है कि अभी ये लाइटें जो हैं ये 2 से चलती है आराम से, मैं कोई दिक्कत नहीं, अब देखिए मैं इग्निशन बंद कर दूँगा,
ये मेरी गाड़ी लॉक हो गई, ये लाइट ऑन हो गई, और अब इसका आप देखिए मर्सिडीज़ वाला फीचर। ये मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया, बट लाइटें अभी भी ऑन है, भले ही ऊपर की लाइट बंद हो गई। ये लाइटें बंद हो गई अभी 10 से 15 सेकंड में अपने आप लोग के सामने देखिएगा आप खुद ही। ये बहुत रेयर फीचर होता है। ये एक छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती है ना, ये थोड़ा सा एक सा लग्जरी फील देती है कि यार मैं मुड़ के आ रहा हूँ तो भी मेरी लाइटें ऑन ऑफ नहीं होती। मेरी आगे से भी आपको लाइटें दिखाऊँ तो, अभी आगे वाली लाइटें तो खैर बंद हो गई, बट मैं आपको वो भी दिखाता, बट अभी अंदर देखिए अभी भी ये ऑन है। अभी थोड़ा सा मैंने क्या, मैंने 30 सेकंड का टाइमर लगाया हुआ है शायद मेरे इसमें। मैं आप लोग ये देखिए बंद हो गई, कितना अच्छा फील आता है कि यार दिस इज़ अ लग्जरी फीचर। ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। बहुत से लोग ऐसे स्कफ प्लेट भी लगाते हैं, मैं स्कफ प्लेट पे भी लाऊंगा कि जब ये वाला डोर ही बंद होगा तब ये वाला स्कफ प्लेट बंद हो जाएगी लेकिन दूसरी चालू रहेंगी। ये सब बैटरी सेविंग की लाइट होती है। मैंने इसके नीचे देखिए ये लैंप लगा रखा है, जैसे ही ये डोर बंद होगा ये वाला लैंप बंद हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये आपकी गाड़ी को बहुत इन्हेंस करती है लुक में। मैंने मेरी गाड़ी का ऑडियो सेटअप भी बहुत मतलब अच्छा कर रखा है, तो आपको मैं सुनाऊंगा बहुत जल्दी। ये मेरा खुद का बनाया हुआ बॉक्स है, मेरे दो एम्पलीफायर्स लगे हुए हैं, इवन ये ट्रे जो है ये ट्रे भी मैंने लकड़ी की जो है आधे एमएम में बनवाई है खुद। और देसी जुगाड़ अगर बोलें तो ये तार हमको मिल गया था तो हमने इसके बेसिस पे इसको ऊपर नीचे का जुगाड़ कर रखा है। तो बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए ढेर सारी वीडियोस लाने वाला हूँ दिखाने के लिए। एंड रिमेम्बर ये जो गाड़ी है ये मेरी एक्सएम मॉडल है, और ऐसी ढेर सारी वीडियोस आपके लिए आती रहेगी इस नेक्सॉन के साथ। बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे, तो ट्यून अप रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू गाइस।